इशू पे मौन धारण किए हुए हैं और कोई भी इस घटना का जिक्र नहीं कर रहे हैं। देखिए, यहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए, और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्तीश जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध पानी का पानी अलग करें। और जहाँ तक पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है, उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए, और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, जो टेस्ट की बात तो अभी अखिलेश यादव ने भी करी है, समाजवादी की जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए, और समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है, उसमें कहीं शंका का, शक का कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं। आज बड़े बड़े सवाल हैं देश के सामने, महंगाई का है, युवाओं का रोजगार का है, और अभी लखनऊ में एक मोटरसाइकिल से, स्कूटर से एक आदमी एक महिला को लेकर जा रहा था, पानी बहुत भरा था और गिर गया, और कुछ लोग चिल्ला रही हैं हमें बचाओ बचाओ, बल्कि उसके ऊपर छींटे मारे जा रहे हैं, कम से कम 15-20 लोग। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने केवल दो नाम लिया, एक यादव का और एक मुस्लिम का, तो ये, और उसके बाद उसमें 15-16 ऐसे लोग हैं, करीब करीब प्रत्येक जात के लोग हैं। तो कल जो अपराधी होता है उसका कोई जात नहीं होती है। मेरा तो 45 साल की राजनीति है, मैं कभी भी जिसका अपराध से जरा कोई रिश्ता रहा हो, नजदीकी रहा हो, उसको अपने पास फटकने नहीं दिया, उसे किसी प्रकार का सहायता नहीं लिया। लेकिन अभी बीजेपी का कहना ये और प्रदेश सरकार, जहां तक तस्वीर का सवाल है, हम लोग राजनीति करते हैं, चुनाव जीतने के बाद और चुनाव दरमियान में लाखों लाख लोगों ने हमारे पास वो खींचाया, यहाँ तक सेल्फी लेते हैं, लड़के जो हैं सेल्फी ले लेते हैं। और मैं दिल्ली में जब से हूँ, रोज आना, आप आकर देखो, कम से कम 500 लोग फोटो खिंचाते हैं, बाहर के लोग, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, कोई मुरादाबाद का है, कोई जो है बिहार का है। हमारा जन्मदिवस 31 को था, तमाम लोग आए बुक्के लेकर के फोटो खिंचाए, और कुछ लोग कहते हैं हमारे सिर पे हाथ दे लीजिए, कुछ कहते हैं हमारे कंधे पर हाथ दे दीजिए। अब आप बताओ, अभी कल हवाई अड्डे पे आए, कम से कम 20 लोगों ने कहा हम फोटो। तो फोटो का जहाँ तक सवाल है, अगर फोटो की बात की जाए तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले सब पोल पट्टी खुल जाएगी, लेकिन फोटो को कोई नकार नहीं सकता, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पद ओहदा वाला हो,
फोटो का कोई हम कैसे मना कर सकते, बताइए। हम जा रहे हैं और चार लोग देखे कि ये सांसद हैं, जो अध्यक्ष हैं, अरे मैं प्रणाम करता हूँ, अरे आप, हम फोटो खाना खाने जाते हैं तब बुक कर लेते, तो फोटो का ये सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति करना नहीं चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को पीड़िता के For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.